आपके गांव में किसका किसका जमीन का धान बेचने के लिए पंजीयन हुआ है, उसका लिस्ट कैसे निकालें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पंचायत स्टेट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो है अपने पूरे गांव का धान बेचने के लिए कितना पंजीयन हुआ है, वहाँ लिस्ट कैसे निकालें। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप गूगल या क्रम बाजार में जाकर सीजी खाद्य के वेबसाइट में चले जाना है। तो गूगल या क्रम बाजार में आपको लिखना है सीजी खाद्य, उसके बाद सर्च कर देना। तो सर्च करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएंगे, तो यहाँ पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, तो आपको जनभागीदारी में चले जाना है। तो दोस्तों, जनभागीदारी में जो है जाने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर जाना है। ये देखिए किसानों के विवरण में। तो दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, तो आपको अपना जिला चुन लेना है। तो जिला चुनने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, तो आपको अपना जो है जो भी आपका समिति क्षेत्र है उसको आपको चुन लेना है। अपने आपके पूरे जो है समिति का नाम लिखा होगा उसको आपको चुन लेना है। तो दोस्तों, उसको चुनने के बाद जो है आपके पूरे गांव का जो है लिस्ट आ जाएंगे। तो इस जो मैंने जो जिला चयन किया है उसका लिस्ट इतना है। तो आप जिस जिला से हैं वो चयन करेंगे, तो जो है पूरे गांव का लिस्ट जो है आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, ये देखिए किसान कोड देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, एवं कितना अगले साल जो है धान बेचा था कि और कितने रुपए का हुआ वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको जो है अपने गाँव में किसका किसका पंजीयन हुआ है उसका लिस्ट निकाल करके देख लेना है। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पंचायत स्ट्रीम नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।